कभी कभी हमारे फ़ोन में ना ही कोई वीडियो होती है, ना ही कोई फ़ोटो होता है और ना ही कोई ऑडियो सॉन्ग होता है, फिर भी हमारा फ़ोन फुल बताता है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई मैंने अपने फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर दिया, ना ही कोई एप्लीकेशन है, ना ही कोई फ़ोटो है, ना ही कोई वीडियो है और ना ही कोई गाना है, सब कुछ डिलीट कर दिया, जो भी मेरे पास था सब डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन पूरा फुल बता रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माय प्राइमरी सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ना ही कोई वीडियो है और ना ही कोई फ़ोटो है और ना ही कोई ऑडियो है, फिर भी आपका फ़ोन फुल बताता है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन एक गलती आप कभी भी मत कीजिएगा कि इसके लिए आप किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर आपको कोई कहता है कि आपका फ़ोन फुल बता रहा है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, तो उस एप्लीकेशन को आप कभी भी डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है? तो कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाइएगा अपने फ़ोन के सेटिंग में। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड यूएसबी का। हो सकता है कि आप में यह सेटिंग कहीं और हो, लेकिन आपको जाना है स्टोरेज में, ठीक है? आपके फ़ोन में कुछ अलग सेटिंग हो सकती है, तो आप अपने फ़ोन में ढूंढ लीजिएगा। मेरे फ़ोन में यहाँ देखिए स्टोरेज की सेटिंग है, तो आपको स्टोरेज में ही जाना है, ठीक है? स्टोरेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपका इंटरनल स्टोरेज शो होगा। आप जब अपने फ़ोन में स्टोरेज में जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर इंटरनल स्टोरेज शो होगा। इस पर आप थ्री डॉट पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ तीन लाइन बना हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए दिखा रहा है, यहाँ ये मेरा 11.81 GB का है और इसमें हमारा फुल हो चुका है 10.83 GB, ठीक है? तो अब आपको खाली कैसे करना है, देखिए आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कैच डाटा। देखिए यहाँ पर कैच डाटा लिखा हुआ है, कैच डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए क्लियर कैच डाटा, इस पर आपको ओके कर देना है। कुछ सेकंड वेट कीजिए, आपका यहाँ पर पूरा कैश मेमोरी क्लियर हो जाएगी। और ये कैश मेमोरी किसी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर ऐप्स के लिए नहीं है, ये पूरे फ़ोन की कैश मेमोरी है, ठीक है? तो जो भी डाटा भरा होगा यही भरा होता है, इससे बाहर कहीं भी कोई डाटा नहीं भरा होता है, ठीक? अब आपको एक काम करना है। देखिए इतना करने के बाद अब एक गलती आप लोग करते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग अपनी वीडियो डिलीट करते हैं तो गैलरी से डिलीट करते हैं, और आपको लगता है कि जो भी हमारी वीडियो हैं वो गैलरी में हैं, जो भी हमारे फ़ोटो हैं वो गैलरी में हैं। लेकिन कुछ ऐसे वीडियो हैं, कुछ ऐसे फ़ोटो हैं जो आपके गैलरी में नहीं सेव होते हैं, बल्कि वो हाइड होकर के सेव हो जाते हैं। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर हाइड होकर के शो करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में, ठीक है? मेरे पास जो फाइल मैनेजर है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ES फाइल एक्सप्लोरर है। हो सकता है आपके पास कोई और फाइल मैनेजर हो, तो आपको उसमें एक सेटिंग करना होगा हिडन फाइल शो करने के लिए। इसमें बहुत ही आसान सेटिंग है, यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और नीचे जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो हिडन फाइल्स का, इसको आपको ऑन कर देना है। बाकी एक्सप्लोरर में या फाइल मैनेजर में क्या सेटिंग है वो आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ देखिए आपको यही सेटिंग करना है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको यह वाला फाइल मैनेजर मिल जाएगा, ES एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर है, ठीक है? अब देखिए आपको नीचे जाना है और आपको जाना है व्हाट्सअप में। देखिए व्हाट्सअप की वीडियो जितनी भी होती हैं आपको गैलरी में दिखाई दे देती हैं, लेकिन जो वीडियो आप भेजते हैं वो गैलरी में दिखाई नहीं देती हैं। जो उधर से वीडियो आती हैं, आपके दोस्त जो वीडियो आपको भेजते हैं वो आपकी गैलरी में आती हैं, लेकिन जो वीडियो आप भेजते हैं वो आपकी गैलरी में नहीं रहती है। और जो आप अपने दोस्त के स्टेटस वीडियो देखते हैं, स्टेटस फोटो देखते हैं, वो भी आपके फ़ोन में सेव होता है। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन जो आप अपने फ्रेंड का वीडियो देखते हैं ना, स्टेटस में जो लगा होता है, वो वीडियो आपके फ़ोन में सेव होता है। ये बहुत ही सीक्रेट बात है। तो यहां देखिए आपको जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाएंगे तो यहां पर आपको जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद देखिए यहां पर कितने सारे आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला फोल्डर है आपको
स्टेटस का। अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो आपने अभी तक जितने स्टेटस देखे हुए हैं अपने फ्रेंड के, अपने दोस्तों के, वो सभी स्टेटस यहाँ पर सेव हुए हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं स्टेटस देखता हूँ, स्टेटस ख़त्म हो जाते हैं, वो स्टेटस यहाँ पर सेव होते हैं आप ही के फ़ोन में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं ऑडियो में। देखिए ये तो रहे ऑडियो जो कि आपने डाउनलोड किया है, लेकिन यहाँ सेंड ऑडियो में जाइएगा तो ये हिडन फाइल रहता है, बिल्कुल ये आपको दिखाई नहीं देता है, आपकी गैलरी में शो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर है आपको वीडियो, वीडियो में चाहिए, ये देखिए आपको जो भेजा गया है वो ये वीडियो है, लेकिन यहाँ देखिए सेंड वीडियो जो कि मेरे पास इतना सारा है तो ये आपकी गैलरी में नहीं शो होता है, जो आप वीडियो भेजते हैं वो आपकी गैलरी में शो नहीं होता है, वो यहाँ पर भरा होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सअप पर शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक घंटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।